नमस्कार, मैं तरुण दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के आज दूसरे चरण के मतदान चल रहे हैं। पूर्णिया सीट बिहार की जो सबसे ज्यादा चर्चा में थी, वहां पर भी आज मतदान है, लेकिन पूर्णिया से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पूर्णिया के कस्बा में 31 और 32 बूथ पर जो जनता है, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने कहा कि विकास नहीं तो वोट नहीं। जी हाँ, जनता ये कहती हुई नजर आ रही है। ये दावा किया है पूर्णिया से जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पप्पू यादव। दरअसल पप्पू यादव कहते हैं कि मैं उन जनता के पास जाता हूँ और जनता को मनाने की कोशिश करता हूँ कि क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है वोट डालने का और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। पप्पू यादव ये कहते नजर आए हैं और पप्पू यादव अब वहाँ पर पहुँच भी रहे हैं 31 और 32 नंबर बूथ पर और जाकर जनता को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, जनता एक बार फिर से बताता हूँ, जनता कह रही है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। मैं आपको बता दूँ, देखिए बिहार में थोड़ा सा विकास की वाकई में बहुत ज़्यादा कमी है। पूर्णिया जो क्षेत्र है वहाँ पर पप्पू यादव इन मुद्दों को शुरुआत से उठाते रहे हैं कि पूर्णिया में विकास की कमी है, पूर्णिया को उप राजधानी बनानी चाहिए बिहार की। शायद यही बातें हैं पप्पू यादव की जो जनता से कनेक्ट होती जा रही हैं और पप्पू यादव बहुत ज़्यादा इस 2024 के चुनाव में निकल कर सामने आ रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, पप्पू यादव जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और पप्पू यादव पहले अभी भी कांग्रेस में, हालांकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस की जो यहां पर उम्मीदवार है बीमा भारती, उनसे पप्पू यादव का मुकाबला होने वाला है। दोनों के बीच में जोरदार टक्कर है, तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है पुणे सीट का, बड़ा दिलचस्प होगा यहां से देखना कि आखिर कौन जीत दर्ज करता है। 4 जून को पता लग जाएगा कि पुणे की सीट किसके हाथ जाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।